आर्टिकल 29 क्लॉज 1 के अंतर्गत भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों के सभी सेक्शंस को जिनके पास उनकी अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट या कल्चर है उनको संरक्षित करने का अधिकार मिला हुआ है और जिसके लिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यही बात आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत भारत के सभी माइनर कम्युनिटीज़ को इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की और उन्हें एडमिनिस्टर करने की राइट मिली हुई है। इस आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंदर में मिले राइट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 30 का ही क्लॉज 2, जहां पर स्टेट द्वारा सभी इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देने के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव करने से रोका जाता है। लेकिन इस राइट का बेनिफिट उस इंस्टीट्यूशन को तभी मिलेगा जब वो एडमिशन के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना करें, जो कि बताया गया है आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के अंदर। अब मतलब निष्कर्ष निकल के ये आता है कि आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 से और आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 से इंटर रिलेटेड है। तो उलझ गए ना, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए ही इस अध्याय को चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन ने भारतीय नागरिकों को कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स दिए हुए हैं, जिसका आर्टिकल 29(1) ये कहता है कि किसी भी नागरिक के जो भारत में रहने वाले हैं जिनके पास उनकी अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करने का राइट उनको मिला हुआ है। और इसी आर्टिकल के अंतर्गत सिटीजन शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि ये राइट माइनर कम्युनिटीज़ के साथ साथ में मेजर कम्युनिटीज़ को भी मिला हुआ है जिनके पास उनकी अलग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर है। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 के बारे में, जहां पे यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिशन के मामले में व्यक्तियों से किसी भी तरह का भेदभाव जो कि रेस रिलीजन कास्ट लैंग्वेज पे बेस हो सकता है उनको करने से रोकता है। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन के केस में जहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी के आदेश के अनुसार मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के सीट्स को एक कम्युनिटी के बेस पर रिजर्व किया गया था। इस मामले में जो कि पेटिशनर था जो एक ब्राह्मण था उसने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूरे मामले का ओवरव्यू लेने पर यह पाया गया क्योंकि ये जो सीट का रिजर्वेशन था ये एक कास्ट बेस्ड था, एक रिलीजन बेस्ड था और इसीलिए किसी भी तरह से रीजनेबल नहीं था, ये डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था और उस प्रोविज़न को इनवैलिड करार दे दिया गया। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के साथ में आर्टिकल 50 क्लॉज 1 के रिलेशन की, क्योंकि एक बार में जब आप आर्टिकल 29(2) पढ़ेंगे तो वो आपको कहीं कहीं आर्टिकल 15(1) की तरह लगेगा जहां पे सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को वो रोकता है। तो इसके बारे में आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में बता दें कि आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत वो एक जनरल नेचर का है और वो सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, जबकि आर्टिकल 29(2) जो है वो केवल एडमिशन के मामले में डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, जहाँ पे आर्टिकल 15(1) स्टेट के अगेंस्ट व्यक्ति को मिले हुए हैं और आर्टिकल 29(2) स्टेट के साथ साथ अदर अथॉरिटी के अगेंस्ट भी मिले हुए हैं। तो आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 ये कहता है कि सभी माइनर कम्युनिटीज़ जो कि अपने लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को बचाना चाहते हैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने का और उन्हें एडमिनिस्टर करने का राइट मिला हुआ है। इस्टेब्लिश करने का मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्टेंस में लाना और एडमिनिस्टर करने का मतलब उसके जनरल प्रोविजन से होता है। इस राइट के अंतर्गत ही इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार भी मिला हुआ है कि वो अपने उनके खुद के लैंग्वेज पे जो उनकी लोकल लैंग्वेज या जो भी होगी उसके बेस पे स्टडी करा सकती हैं सारे स्टूडेंट्स को। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर दोनों शब्द एक ही साथ पढ़े जाने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का फ़ायदा उठाना चाहती है तो उसे इस्टेब्लिश एक माइनर कम्युनिटी के थ्रू किया जाना चाहिए और एडमिनिस्टर भी माइनर कम्युनिटी के ही थ्रू किया जाना चाहिए। इसी के अंतर्गत AMU पे सवाल उठाते हुए पूछा गया था कि क्या ये माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा क्योंकि इसकी इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू की गई थी और इसी वजह से ये कहीं भी माइनर कम्युनिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन में नहीं आता।
आर्टिकल 30 के क्लॉज 2 के अंडर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट्स या फिर फाइनेंशियल हेल्प देने के मामले में स्टेट को किसी भी तरह का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन करने से, जो कि रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेस पे हो सकता है, ये करने से मना किया गया है। इसे अगर देखा जाए तो एक तरह से ये आर्टिकल 39 क्लॉज 2 के ऊपर एक तरह से कंट्रोल रखता है, उन्हें भी एजुकेशन के मामले में जो बच्चे हैं उनसे डिस्क्रिमिनेशन करने से रोकता है। और इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो कि माइनर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जारी किए और ऐसा कहा कि ये अपने टीचर्स के अपॉइंटमेंट, बच्चों के फीस, उनके सिलेबस, गवर्निंग बॉडी और जनरल रूल्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होंगे वो बना सकते हैं। आई होप आपको आर्टिकल 29 और 30 के मेन प्रोविजंस के साथ में ये केसेस समझ में आ गए होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बाकी वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।